फिलिप्पी मा पौलुस और सिलास। जब साउल हर संपूर्ण रोमी राज मा यात्रा मन करिस त ओहर अपन रोमी नाम पौलुस के उपयोग करे बर शुरू कर दिस। एक दिन पौलुस और ओकर संगवारी सिलास फिलिप्पी नगर मा यीशु के बारे मा शुभ संदेश सुनाए बर गिन। ओमन नगर के बाहर नदी के तीर एक ठन जगह लागिन जोन करा मनसे मन प्रार्थना करे बर जमा रहिन। ओकरा ओमन लुदिया नाम के एक झन नारी ले मिलिन जोन हर एक ठन व्यापारी रहिस। ओहर परमेश्वर ले माया करत रहिस और ओकर आराधना करत रहिस। परमेश्वर हर लुदिया ला यीशु के विषय मा संदेश के ऊपर विश्वास करे बर सक्षम करिस। पौलुस और सिलास हर ओला और ओकर परिवार ला बत्तीसमा दिन ओहर पौलुस और सिलास ला अपन घर मा रुके बर कहिस। इकर बर ओमन ओकरा रुक गिन। पौलुस और सिलास मनसे मनठी हमेशा ओइच जगह मा मिलत रहिन जोन ठी यहूदी मन से प्रार्थना करत रहिन। हरेक दिन जब ओमन उठी जात रहिन त एक झन नौकरानी जोन दुष्ट आत्मा ले ग्रसित रहिस ओमन के पीछा करत रहिस। ई दुष्ट आत्मा के मदद ले ओहर मनसे मन के भविष्य बताए करत रहिस। इकर बर ओहर भविष्य बताए वाली के रूप मा अपन मालिक मन बर बनेच पैसा कमाए करत रहिस। ओमन के जाए के बेरा मा उ नौकरानी नरियाय करत रहिस। इमन से परम प्रधान परमेश्वर के भक्त हैं। इमन तुमल्ला उद्धार पाए के डहर बताते हैं। ओ हर रोज ऐसने करत रहिस जेकर ले कि पौलुस परेशान हो गिस। आखिर मा एक दिन जब उ नौकरानी हर नरियाय बर शुरू करिस त पौलुस हर ओकर अंग मुड़ के ओकर भीतर के दुष्ट आत्मा ले कहिस यीशु के नाम ले इमा ले निकर जा। ओइच बेरा मा उ दुष्ट आत्मा हर ओला छोड़ दिस। उ नौकरानी के मालिक मन बनेच रिसा हो गिन। ओ मल्ला पता चल गिस कि बिना उ दुष्ट आत्मा के उ नौकरानी मनसे मनला भविष्य नी बता सकत रहिस। इकर मतलब रहिस कि मनसे मन अब उ नौकरानी के मालिक मल्ला पैसा नी दें कि ओहर ओ मल्ला भविष्य बताए कि ओ मन के संग का होही। इकर बर उ नौकरानी के मालिक मन पौलुस और सिलास ला रोमी अधिकारी मंठी लेगिन। ओ मन हर पौलुस और सिलास ला पीटिन और फेन ओ मल्ला जेल खाना मा डार दिन। ओ मन हर पौलुस और सिलास ला जेल खाना के ऐसने हिस्सा मा राखिन जोन करा सबले ज्यादा सिपाही रहिन। इकरा तकले कि ओमन के गोड़ ला लकड़ी के बड़े कुटी मा जोड़ दिन। लेकिन पौलुस और सिलास आधी रात के समय मा परमेश्वर के स्तुति के गीत गात रहिन। अचानक ले एक ठन भयानक भूकंप होइस। जेल खाना के सब द्वार खुल गिन और सब कैदी मन के बेड़ी मन खुल गिन। तहां दरोगा हर चेत गिस। ओहर देखिस कि जेल खाना के द्वार मन खुले हुए रहिन। ओहर सोचिस कि सब कैदी मन बांच के भाग गए रहिन। ओहर डर गिस कि ओमन के भाग जाए के खातिर रोमी अधिकारी ओला मार डारहिन। इकर बर ओहर अपन आपला मार डारे बर तैयार हो गिस। लेकिन पौलुस ओला देख के नरियाइस, रुक जा, अपन आपला नुकसान नी पहुंचा, हमन सब इच ठी हन। उ दारोगा हर कांपत पौलुस और सिलास ठी आके पूछिस, उद्धार पाए बर मैं का करूं। पौलुस हर उत्तर दिस, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर त ते और तोर घराना उद्धार पाहिं। तहां उ दरोगा पौलुस और सिलास ला अपन घर मा ले गिस और ओमन के घाव मल्ला धोइस। पौलुस हर ओकर घर के सबला यीशु के बारे मा शुभ संदेश सुनाइस। दरोगा और ओकर पूरा परिवार हर यीशु के ऊपर विश्वास करिन। इकर बर पौलुस और सिलास हर ओमल्ला बत्तीसवा दिन तहां दरोगा हर पौलुस और सिलास ला खाना खवाइस और ओमन एक संग खुश होइन। आने दिन नगर के अगुआ मन पौलुस और सिलास ला जेल खाना ले आजाद कर दिन और फिलिप्पी ले चले जाए बर कहिन। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ आने संगवारी मन ले मिलिन और ओकर बाद नगर ले निकर गिन। यीशु के बारे मा शुभ संदेश फैलत गिस।
और कलिसिया बढ़त गिस। पौलुस और आने मसीही अगुआ मनहर बनेच ले नगर मन के यात्रा करीन। ओ मनहर मनसे मल्ला यीशु के बारे मा शुभ संदेश सुनाइन। ओ मनहर कलिसिया मन के विश्वासी मल्ला उत्साहित करे और शिक्षा दे बर कई ठन चिट्ठी घोले लिखिन। इमाले कुछ चिट्ठी बाइबिल के पुस्तक मन बन गिन। प्रेरितों के काम अध्याय 16:11-40 ले बाइबिल के एक ठन कथा।